Assalamu alaikum dear students, kaise hain aap sab? My name is Rayan Malik and I am here to teach you physics class 9th. Aaj hum start karenge chapter number 3 ka topic friction. To aaiye start karte hain aaj ka lecture. So chapter number 3 dynamics and the topic 3.3 friction. So friction basically kehte hain ragad ko, rukawat ko, जो कि आपके मोशन को अपोज करती है, आपको रोकती है. क्लियर? क्या आपने कभी ये नोट किया है कि एक बाइसाइकिल पे अगर आप पैडलिंग करना बंद कर दें तो वो बाइसाइकिल कुछ देर के बाद आगे खुद ब खुद रुक जाती है? तो ऐसा क्यों होता है? सिमिलरली अगर आप एक बॉल को थ्रो करें तो वो बॉल भी कुछ देर के बाद जाके खुद ब खुद रुक जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो बेसिकली किसी भी मोशन को अपोज करती है, उसको रोकती है. क्लियर? दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन. तो वो फोर्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को अपोज करे, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन. क्लियर? एंड फ्रिक्शन जो है बेसिकली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस पर और प्रेसिंग फोर्स पर. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द सरफेस मींस कि वो सरफेस उसकी नेचर क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अपने हैंड को किसी भी दीवार पर रब करें तो उसमें फ्रिक्शन कुछ और तरह की प्रोड्यूस होगी. या सिमिलरली अगर मैं अपने हैंड को इस बोर्ड पर रब करता हूं तो यहां पर भी फ्रिक्शन कुछ और तरह की प्रोड्यूस होगी. सिमिलरली अगर मैं हैंड को किसी कारपेट पर या किसी टेबल पर रब करूंगा तो वहां पर फ्रिक्शन कुछ और तरह की प्रोड्यूस होगी. सो यहां डिपेंड करता है कि वो सरफेस की नेचर क्या है. क्लियर? एंड सिमिलरली द प्रेसिंग फोर्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपनी दो हैंड्स को रब कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है, तो यहां पर भी एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी. एंड सिमिलरली अब मैं अपने दोनों हैंड्स को फोर्सफुली रब करता हूं जस्ट लाइक दिस, ठीक है. अब जब मैं इसको फोर्सफुली रब करूंगा तो वहां पर फ्रिक्शन और ज्यादा हो जाएगी. सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के. जितनी प्रेसिंग फोर्स ज्यादा होती जाएगी फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होती जाएगी. क्लियर? आई होप कि आपको टू पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि फ्रिक्शन जो है इन दो चीजों पर किस तरह से डिपेंड करती है. एंड सिमिलरली कोल्ड वेल्ट्स. नॉर्मली जितनी भी सर्फेसेस हैं स्मूथ नहीं होती. लाइक अगर आपको बाजाहिर एक सरफेस स्मूथ नजर आ रही है तो वो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो वो भी स्मूथ नहीं होगी. उसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं कि मैंने दो ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया. अब आपको बाजाहिर नजर आ रहा है कि इन दोनों ब्लॉक्स की सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अब इनको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऑब्जर्व करते हैं अब आप देख सकते हैं कि आपको कुछ पिट्स एंड बम्स नजर आ रहे हैं. एंड दिस शोज कि ये सरफेस भी स्मूथ नहीं है. तो बेसिकली सरफेस स्मूथ ना होने की वजह से वो ब्लॉक जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर रेस्ट की हालत में पड़ा है. अगर यहां पर सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती और फ्रिक्शन ना होती तो ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे गिर जाता. क्लियर? सो फ्रिक्शन जो है ये एक बॉडी को स्टॉप भी करती है. क्लियर? नॉर्मली हम ये अज्यूम करते हैं कि फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी टर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है. तो ऑल दो मूव करवाती है, लेकिन फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करवाती है. क्लियर? सो आई होप यहां पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोल्ड वेल्ट्स किन्हें कहते हैं. वो जो पिट्स और बम्स होते हैं दो सर्फेसिस के जहां पर आके वो मिल जाते हैं, दैट आर कॉल्ड द कोल्ड वेल्ट्स. क्लियर? So the next that is force of limiting friction. तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के. मीन्स कि आप जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन होगी. क्लियर? अब फोर्स आप जितनी ज्यादा अप्लाई करते जाएंगे फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगी, लेकिन फ्रिक्शन की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि वो उस लिमिट से फर्दर पर इंक्रीज नहीं करती. दैट्स मीन कि आप मैक्सिमम लेवल जो फ्रिक्शन का होता है उससे फिर हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको एफ एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर? सो
it depends on the normal reaction between the two surfaces in contact. तो ये depend करती है एक surface के normal reaction पर. And normal reaction means के वहां पर जो pressing force है उस पर basically depend करती है कि pressing force आप कितनी apply कर रहे हैं. जितनी ज्यादा आप pressing force apply करेंगे उतनी ज्यादा वहां पर friction होगी. But although it has a specified limit, कि ये further उस limit से ज्यादा exceed नहीं करती. Clear? And the coefficient of friction, the ratio between the force of limiting friction Fs and the normal reaction R is constant. तो coefficient of friction basically क्या है, कि एक constant है and it is the ratio between limiting friction Fs and the normal reaction R. So ये एक ratio है Fs over R की and that is equals to the coefficient of friction, जिसको इस sign से हम represent करते हैं, that is mu. अब R यहां पर divide हो रहा है, तो ये R इधर इस side पर आके multiply हो जाएगा, so it becomes F of S is equals to mu R. clear? और R क्या है? R है normal reaction. Now let's suppose if the body of mass M, तब इस R की value क्या हो जाएगी? That R is equals to mg. So R is equals to mg. तो मैं इस R की जगह mg से replace कर देता हूं. So the force of limiting friction mu mg. Clear? So this is the final formula of force of limiting friction. तो आप इस formula से किसी भी सरफेस की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मालूम हो कि अगर जो भी सरफेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तब आप उस सरफेस की लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब आपकी बुक में इसी पेज पर एक साइड बॉक्स में आपको डिफरेंट सर्फेस के लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यूज गिवन है. सो आप वहां से उनकी वैल्यूज नोट डाउन करके आप उन सर्फेस की लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? और इसके अलावा फ्रिक्शन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी में. लाइक अगर आप चल रहे हैं तो आपके चलने में भी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल नहीं सकते, हम स्लिप कर जाएंगे, हम गिर जाएंगे. ठीक है? सिमिलरली आपने देखा होगा जितने एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनके भी जो बूट्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के बने होते हैं. लाइक फुटबॉलर जो हैं उनके बूट के नीचे स्टड्स होते हैं. ठीक है? वो स्टड्स क्या करता है, वो स्टड्स भी बेसिकली जमीन के अंदर धस जाते हैं जो कि प्रॉपर ग्रिप कर लेते हैं. वहां पर बेसिकली क्या, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गई और फ्रिक्शन उनको गिरने से बचाती है. एंड सिमिलरली जब हम बाइसाइकिल पर जब हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि ब्रेक पैड्स होते हैं वो टायर के साथ आके लग जाते हैं. अब इससे भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और वो फ्रिक्शन जो है वो फर्दर आपके टायर को स्टॉप कर देती है. क्लियर? सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फ्रिक्शन जो है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. क्लियर? सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.